हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चंद्र दुर्जा और आपके साथ फिर से एक वीडियो में बात करने जा रहा हूं आपके सीएमए फाइनल के एक और सब्जेक्ट के बारे में, डैट इज बीवीएम एंड एसपीएम। बीवीएम एसपीएम मेरे बहुत ही लंबा पेपर है, रीजन बींग कि 50-50 नंबर करके आपको जो है और 100 मार्क्स में पढ़ाया जाता है, क्योंकि कंटेंट जो है वो एक्चुअल में 50 मार्क्स का आपको दिया गया है, एक्चुअल में 100 मार्क्स का होना चाहिए, राइट। तो आपको इसमें बहुत ये दिक्कत समस्या का समाधान, इस समस्या का जो सॉल्यूशन है, इसको लेकर हम आपके साथ मिल रहे हैं इस वीडियो में, जिसमें कि हम आपके सामने आपके साथ एक ऐसे सर को, एक ऐसे फैकल्टी को रहे हैं जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं, बीवीएम पढ़ाते हैं, एसपीएम पढ़ाते हैं, कॉस्ट ऑडिट भी पढ़ाते हैं, और आपके साथ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि एग्जामिनेशन टिप्स क्या होने चाहिए, और साथ ही साथ पेपर पढ़ने के लिए, एसपीएम बीवीएम पढ़ने के लिए आपको किस फॉर्मेट में पढ़ना चाहिए, किस कंटेंट को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किस कंटेंट को कम पढ़ना चाहिए, राइट। तो कोशिश है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आसान बन सके। सो मिलते हैं सीए सीएस सीएमए निखिल गुप्ता सर से, जो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू आवर स्टूडियो एंड वेलकम टू द cdclasses.com। सर, स्टूडेंट्स को मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से समझाएं कि बीवीएम एसपीएम का पेपर 70+ मार्क्स से 80+ मार्क्स से पास करने के लिए क्या क्या पैटर्न होना चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए और सब कुछ, सर प्लीज। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल एंड गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू ऑल द सब्सक्राइबर्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम बात करने जा रहे हैं आपके 100 मार्क्स का पेपर बीवीएम एसपीएम। और जैसा कि सर ने बिल्कुल ठीक बताया, सर इतना लेंदी सब्जेक्ट है ये, इतने ज़्यादा कंटेंट हैं इसमें, 100-100 नंबर के दो पेपर्स ऑलमोस्ट एक पेपर में फिट करने की कोशिश करी गई है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बता दूं कि 2008 सिलेबस में बीवीएम अकेला 100 मार्क्स का ही होता था, उसका बिना कंटेंट को थ्रैश किए इंस्टीट्यूट ने उसे 50 मार्क्स में कर दिया। और एसपीएम, पहले फाइनेंशियल एनालिसिस बोलते थे इस सब्जेक्ट को, अब एसपीएम बोलते हैं, एसपीएम को 50 मार्क्स में और ले आए। तो ये एक्चुअली ऐसा ही है कि 200 मार्क्स के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, बट आपको मार्क्स जो वेटेज मिलती है एग्जाम में वो मिलती है 100 मार्क्स। तो गाइज, अब अगर ये दुविधा है हमारे सामने तो हमको थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी भी करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा अपना एबीसी एनालिसिस, अप्लाई करना पड़ेगा अपने कुछ टेक्निक्स जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। टेक्निक नंबर 1, अगर आप बीवीएम की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी है। दोस्तों, बीवीएम में एक चैप्टर है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस अकेला 15-20 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो अगर आपने मर्जर्स एंड एक्विजिशन को अच्छे से नहीं किया तो आप अपने लिए बहुत बड़ी समस्या सामना करने के लिए तैयार हो जाइए एग्जाम में। तो 15 मार्क्स का आपका एग्जाम में से आएगा पेपर मर्जर्स एंड एक्विजिशन में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बेयर मिनिमम 4 रिविजन रिटर्न में प्रैक्टिस करके जानी पड़ेंगी बीवीएम के इस चैप्टर की, विच इज़ मर्जर्स एंड एक्विजिशन। चैप्टर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, 2 चैप्टर्स हैं जिनकी इक्वल वेटेज है दोस्तों, वो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब दुविधा ये कि इन दोनों चैप्टर्स का बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ये तो एफआर में कवर हो गया है हमारा। बिल्कुल सही लगता है आपको, आपका एफआर में कवर हो गया है, लेकिन एक बात बस कर लेना इन दोनों चैप्टर्स के लिए, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स का स्टडी मटेरियल है बीवीएम एसपीएम का, उसके क्वेश्चंस जरूर कर जाना, क्योंकि कंसेप्ट सारे कवर हो गए हैं एफआर में इस चैप्टर के लिए आपके, लेकिन क्वेश्चंस कवर नहीं हुए हैं। क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा सा अलग आता है एज कंपेयर टू सीएफआर। तो इस चैप्टर के लिए वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हाँ कंसेप्ट कवर हो गया आपका सीएफआर में, लेकिन क्वेश्चंस आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से करने ही करने पड़ेंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स, ये मेरा एबीसी एनालिसिस है इस सब्जेक्ट के लिए, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड्स, वैल्यूएशन ऑफ एचआरए। दोस्तों, ये 2 चैप्टर्स हैं जो चैप्टर्स इक्वल वेटेज रखते हैं, जिस अटेम्प्ट में ब्रांड आता है उसमें एचआरए नहीं आता, एंड वाइस वर्सा, मोस्टली ऐसा होता है। तो ये दोनों चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में, वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड्स और वैल्यूएशन ऑफ एचआरए। एचआर वैल्यूएशन का सिर्फ 2 क्वेश्चन, गिनती के 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो 2 क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में प्रिपेयर करके चले गए, उसके बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, जो कि क्वेश्चन अगेन आप कहाँ से रेफर करोगे, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से रेफर करोगे। थ्योरी, सर अब बच्चे पूछते हैं सर थ्योरी कैसे करें बीवीएम के लिए। दोस्तों, बीवीएम के लिए थ्योरी आएगी 5 मार्क्स की, जी हाँ, ओनली 5-8 मार्क्स की। इसके लिए मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेने वाला, मैं तो
थ्योरी एक बार रीड करके जाऊंगा, बस दो बार रीड करके जाऊंगा, वो भी अगेन इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से, जितनी आ जाए मैं उस पर ना टाइम वेस्ट करूंगा ना ज़्यादा एफर्ट वेस्ट करूंगा, मैं दो बार बस रीडिंग करके जाऊंगा BVM की थ्योरी के लिए, क्योंकि मुझे पता है ना MCQs में थ्योरी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ना प्रैक्टिकल में पूछी जाती है। अब आ जाते हैं बात पार्ट टू, ये था पार्ट वन। पार्ट टू जो कि है आपका SPM स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुविधा है, 30 मार्क्स की अप्रॉक्सीमेटली 25 टू 30 मार्क्स की थ्योरी पूछी जाती है। हाँ, पहले जो अटेम्प्ट थे उसके अंदर 15-20 मार्क्स तक थ्योरी को कन्फाइन कर दिया जाता था, बट अब 25 तक एक्सटेंड कर दिया जाता है 20-25 मार्क्स की थ्योरी। प्रिसाइजली थ्योरी कौन से चैप्टर में से आती है? एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में से, ERM। दोस्तों ये चैप्टर है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थ्योरी पर्सपेक्टिव से, ERM चैप्टर। आपको मेरे हिसाब से तो जब आप उठाओ ना अपना SPM का सब्जेक्ट, सबसे पहले उठा के इसको खत्म कर डालो, कौन सा चैप्टर? ERM, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। दूसरा चैप्टर जो आपको उठाना है SPM में वो है इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। इकोनॉमिक एफिशिएंसी फॉर्म में कोई थ्योरी नहीं पूछी जाती, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पूछा जाता है, लेकिन सबसे बढ़िया कमाल की बात ये 8 नंबर का मिनिमम क्वेश्चन इकोनॉमिक एफिशिएंसी से आएगा ही आएगा, लिख कर ले लो, पास्ट अटेम्प्ट में आया है, फ्यूचर में भी मोस्ट लाइकली आएगा ही आएगा। तो 8 मार्क्स तो आपके इकोनॉमिक एफिशिएंसी से कवर हो गए। बच्चे आपके 2 और स्टडी नोट्स, उन दोनों स्टडी नोट्स का वेटेज इक्वल रख लो, कभी आता है पेपर में कभी नहीं आता, तो उसे मैं सी कैटेगरी में रखूंगा, उन दोनों पे मैं थोड़ा सा कम ध्यान दूंगा। अब बात आती है प्रैक्टिस की। सर ये पूरा BVM SPM हम कितनी बार प्रैक्टिस करके जाएं? आइडियली 4 टाइम्स रिविजन करनी ज़रूरी है, 4 टाइम राइटिंग में प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। एक आपको सीक्रेट देता हूँ, ये सीक्रेट मैंने CA CS CM में तीनों पेपर में फॉलो किया है और तीनों में ये सीक्रेट सक्सेसफुल साबित हुआ है मेरे लिए। वो सीक्रेट है थ्रैशिंग टेक्निक। सर ये क्या होती है थ्रैशिंग टेक्निक? भाई थ्रैशिंग टेक्निक ये होती है कि अगर आपने फर्स्ट रिवीजन के दौरान अकाउंट्स के या BVM के या SPM के सपोज आपने एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन करे, तो दूसरी रिविजन में आपको करने हैं 6 क्वेश्चन, तीसरी रिविजन में आपको करने हैं 4 क्वेश्चन, और चौथी रिविजन जो एग्जाम से जस्ट पहले होगी उसमें आप रिमेनिंग रखोगे 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन से ज्यादा आपको एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं करने। तो हर रिविजन के बाद आपको पता लग जाएगा, अरे ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको तो मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है, आप उसे काटा लगा दो अपनी बुक में और उसे आपको दोबारा नहीं करना। दिस इज द थ्रैशिंग टेक्निक वेयर बाय यू कैन इफेक्टिवली रिवाइज योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। ये थ्योरी के लिए भाई एप्लीकेबल नहीं होती है टेक्निक, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होती है, और आप चाहे कॉस्टिंग ले लें चाहे आप CFR ले लें, सब में ये थ्रैशिंग टेक्निक मेरे लिए तो बहुत सक्सेसफुल रही, आई होप आपके लिए भी सक्सेसफुल रहेगी। सर सो नाइस, बहुत बहुत अच्छे से बताया आपने राइट, और मेरे अकॉर्डिंग SPM BVM के बारे में इतना सब कुछ कोई नहीं बता पाएगा राइट। पूरे के पूरे कोर्स को मतलब मैं जब सोचता हूँ यार BVM SPM बच्चा कैसे करता होगा, तो मैं तो घबरा जाता हूँ, अगर मुझे करना पड़े तो क्या होगा, मतलब एक किस्म से अत्याचार है, अत्याचार बच्चों के ऊपर एक अत्याचार है, 200 नंबर को 100 मार्क्स में लेके आना राइट। तो उस चीज़ को कंप्रेस कर दिया सर ने, देखो कितना अच्छा कंप्रेस किया। क्या देखो जब आप इंडेक्स देखोगे ना SPM BVM का, तो आपको बहुत बड़ा लगेगा। अब ये देखो सर ने क्या बताया, मर्जर एक्विजिशन कर लो 15 से 20 नंबर, वैल्यूएशन गुडविल शेयर्स ऑलरेडी किया हुआ है, इसको रिवाइज कर लो स्टडी मटेरियल से 100 सिंपल, ये थ्योरी का कर लो, ये दूसरा कंटेंट हो गया, पहला दूसरा और तीसरा चौथा, और इतने से को कर लो 70 मार्क्स का कवर है। सो नाइस, मजा आ गया सर, सच में मजा आ गया। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको भी बहुत बहुत मजा आ गया होगा BVM एंड SPM के लिए कंप्रेस्ड फॉर्मेट में सुनकर। देखो 100% कंप्लीट करना तो जरूरी है, पर पेपर में क्या आएगा कोई बता नहीं सकता, बट कोई एटलीस्ट ये तो बता सकता है कि पेपर में आता क्या है, पेपर में ये आता है, तो ऑब्वियसली आप इसको पहले करेंगे और अच्छे से करेंगे, उसके बाद स्टडी मटेरियल के कोने कोने को कवर करेंगे। देखो एक रूल है पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है, पूरी दुनिया में, वो है 70-30 रूल। हमारे शरीर के अंदर 70% पानी, 30% रिमेनिंग, पूरे वर्ल्ड में भी ऐसा राइट। इनफैक्ट पूरे हर जगह पर जो है 70% की जो वेटेज वाले कुछ कंटेंट होते हैं, तो ये 70% है, बाकी सब कुछ 30%। अब आप सोचो कि 70% आपको पहले क्या अच्छे से प्रिपेयर करना है राइट। सो दिस इज चंद्रध्वज निखिल गुप्ता सर, एंड हमारी वीडियोस आपको cdclasses.com पे
बहुत अच्छे से मिलेंगी। बट ये वीडियो हमने बनाई है आपको बेसिकली पूरे के पूरे कोर्स का अच्छे से कंटेंट रिवाइज जल्दी से कैसे करें ये समझाने के लिए, बेसिकली हेल्पिंग हैंड पॉइंट करने के लिए। हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर सर के कुछ नोट्स भी मिलेंगे, आप वहां से भी ले सकते हैं। सो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप बहुत बहुत और अच्छी अच्छी वीडियोज और भी सब्जेक्ट की मिलती रहेंगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।